आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा रेवाड़ी पहुंचे। शहर के मॉडल टाउन स्थित दावत रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। बावल और रेवाड़ी अनाज मंडी का दौरा कर किसानों से बात की। अनुराग ढांडा ने कहा, भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग, भाजपा को समय आने पर जनता देगी जवाब। 2024 के चुनाव में आपकी सरकार बनने का दावा किया आप। नेता अनुराग ढांडा ने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बावल व रेवाड़ी अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुराग ढांडा ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ढांडा ने कहा कि मौजूदा सरकार मजबूत विपक्ष को निशाना बना रही है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पर प्रहार कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में इसका जवाब देश की जनता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को एक साल से ज्यादा समय के लिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर करने के बाद सरकार ने सभी विधायक वापस लिए, और अब चुने हुए नुमाइंदों पर लाठीचार्ज करने के बाद ही टेंडरिंग की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। अनुराग ढांडा ने कहा कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने के बाद इस वायल का पानी जरूर लाया जाएगा, क्योंकि अब जनता के सामने एकमात्र विकल्प के रूप में आप पार्टी उभर कर सामने आ रही है। आप नेता अनुराग ढांडा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मीडिया के सभी साथियों का आज के इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज साउथ हरियाणा, ये जो पूरा इलाका आपका जाना जाता है और रेवाड़ी खासकर, ये जिस तरीके से सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों से वादे कर करके भूलती जा रही है, वो बहुत गंभीर मामला है और यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात है। आज जब हम यहाँ आए हुए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ये इस विषय के ऊपर बात होना कि 2015 में एक वादा किया गया था यहाँ के लोगों के साथ कि यहाँ पे एक एम्स बनाया जाएगा, और एम्स इसलिए यहाँ पे वादा किया गया था क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब हालत में, इस पूरे इलाके में लोगों की ज़रूरत थी यहाँ पे एम्स का होना। और जब 2015 में ये वादा हुआ तो लोगों को लगा कि शायद अब उनकी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड या स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड समस्या है, गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़ी समस्याएँ हैं, वो सुलझ जाएंगी। वो सपना देखते देखते लोगों की आँखें पथरा गई हैं। आज तक उस एम्स प्रोजेक्ट के लिए एक ईंट भी, नीम की ईंट जिसको कहते हैं, वो भी नहीं रखी गई है। सरकार उसके लिए भी, उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए भी शायद लोकसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही है, विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही है कि उससे ठीक पहले वो नीम का पत्थर रख के और उसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा ढेरों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको आप, चाहे वो रेवाड़ी में यहाँ बस स्टैंड की बात हो या एक पर्यटन स्थल बनना था उसकी बात हो, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सरकार ने वादा तो किया, एम्स के लिए तो बजट का भी प्रावधान किया, लेकिन उसके बाद वो सारे प्रोजेक्ट्स अधर में लटके रहे, लोगों की मांगें कभी भी पूरी नहीं हुई। इसको देख करके लगता है कि सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल इस इलाके का भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय नेता भी जो हैं वो करना चाहते हैं। ना इसके खिलाफ विपक्ष यहाँ का जो आवाज़ उठाता है, ना इसके खिलाफ सरकार के जो यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस पूरे इलाके में आसपास से, वो कोई अपने सरकार को ये कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे में ये लगता है कि ये सारी मिलीभगत आपस में जो पुरानी पार्टियाँ हैं उनकी चलती रहेगी और लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। आम आदमी पार्टी लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उनको बहुत गंभीरता से देखती है, और इसलिए ये एम्स का मुद्दा हम हर प्लेटफॉर्म पर अब उठाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। यहाँ जो बाकी अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर भी कहीं पर भी दवाएँ नहीं मिलती, कहीं पर भी जो टेस्ट हैं वो नहीं होते हैं सही तरीके से, डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है सारी जगहों पर। स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आने वाली जनरेशन्स का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए उन मुद्दों को सरकार को गंभीरता से लेना होगा। समय समय पर हम भी, हमारे साथी भी इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। यहाँ की जो स्कूल व्यवस्था है उसका बहुत बुरा हाल है। यहाँ के स्कूलों में ज़्यादातर जगहों पे टीचर्स की शॉर्टेज है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सुविधाओं की कमी होने की वजह से बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं, उसका बहाना बना के सरकार उन स्कूलों को बंद कर देती है उसके बाद ना, जबकि होना ये चाहिए
कि वो सरकार उन तमाम स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाए, टीचर्स मुहैया कराए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। तो इन दो प्लेटफॉर्म पर तो सरकार पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। और तीसरा जो किसानों का महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरसों की फसल को लेकर के सरकार ने पहले कहा कि हम 28 से खरीद शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहा कि हैफेड खरीद करेगी। लेकिन अब हैफेड भी हमें जगह जगह से ऐसी सूचना मिल रही है कि किसानों की सरसों की फसल को खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उसमें जो नमी की मात्रा है वो सही नहीं होने की वजह से अभी नहीं खरीदा जा सकता। मुझे लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी तरह से एक मौका दिया जा रहा है कि वो किसानों का शोषण कर सकें, MSP से कम दाम पर वो अब पहले अपनी खरीद पूरी कर लें, किसानों को लूट लें, और उसके बाद सरकार इस पूरे फ्रेम में एंटर करेगी और बाद में अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी। तो हमारी ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से चाहे सरकार या किसी और सरकारी एजेंसी के थ्रू ये खरीद शुरू होनी चाहिए, और किसानों के ऊपर सारी जिम्मेदारी न डालते हुए एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझ के किसान की फसल अगर आ जाती है मंडी में तो उसको खरीदना चाहिए और उसको MSP पर खरीदना चाहिए या उससे अच्छे रेट पर खरीदना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को और यहाँ के सभी लोगों को परेशान करते हैं। इसके साथ साथ आप, मैंने जो पहले कहा कि यहाँ राजनीति होती है, हमेशा यहाँ के लोगों से वोट लिए जाते हैं लेकिन इनके काम नहीं किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। वो अहिर रेजिमेंट की जो मांग लगातार इस इलाके से की जा रही है उसको ना मानने का कोई कारण नहीं है, उसको कोई तर्क नहीं दे सकती सरकार उसके पीछे कि क्यों उसको नहीं माना जा रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो देश की सेवा करते आए, सेना में जाते रहे, एक गौरवपूर्ण इतिहास है इस पूरे इलाके का, और उसके बावजूद यहाँ से ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान नहीं किया हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, दोनों जगह पे लोगों ने यहाँ से खूब समर्थन दिया सरकार को। उसके बावजूद भी जो उनकी मांगें हैं, जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं और जो उनके गौरव से जुड़ी हुई मांगें हैं, उन सबको सरकार अनदेखी करती रही है, दरकिनार करती रही है। ये स्थिति बदलनी चाहिए, यहाँ के लोगों की आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए। आपके कोई सवाल हैं आपको? देखिए, पॉलिटिकल केस पूरी तरह से आपने देखा होगा, कल भी एक नया केस कोई खोल करके, कई साल पुराना कोई मामला उठा के CBI ने कोई नया केस शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष में की गई कार्रवाई है, जिनमें अगर आपकी कोई एक एजेंसी जांच कर रही है तो अगर CBI जांच कर रही थी उस मामले की, क्या ज़रूरत थी ED का केस दर्ज करने की? क्योंकि CBI के केस में जमानत पर सुनवाई होनी है। मोदी जी चाहते हैं कि किसी भी हालत में मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को किसी भी हालत में जेल के अंदर रखा जाए, चाहे कोई कसूर हो या ना हो। 8-10 महीने से जांच कर रही हैं उनकी तमाम एजेंसी। मैं तो खुली छुट्टी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसी छुटवैया नेता के यहाँ, एक किसी हवलदार को या पुलिसकर्मी को भेज दीजिए, अगर उनके यहाँ से नोटों की गड्डियाँ ना निकलें तो इस पर बहस करने के लिए हम दोबारा से तैयार हैं। लेकिन इनकी सारी केंद्रीय एजेंसियाँ लगने के बाद भी न मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से बोलते हैं 10,000 करोड़ का कोई घोटाला हुआ है, 10 रुपये तो आज तक बरामद नहीं कर पाए उनके यहाँ से। सत्येंद्र जैन जी को 7-8 महीने से जेल के अंदर रखा हुआ है। जब कोर्ट के अंदर जज खिंचाई करते हैं एजेंसी की, तो एजेंसी कहती है जज बदल दीजिए। तो जज बदलने की, ये तो हमने जीवन में पहली बार सुना कि जज बदल दीजिए अगर मेरा केस ठीक तरीके से मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी का दुरुपयोग करके बार बार अलग अलग मामले दर्ज करके, एजेंसी अगर ये कहेगी कि अब मुझे इसमें रिमांड दे दीजिए, मुझे इसमें पूछताछ करनी है, मुझे इस केस में जांच करनी है, तो वो जो कानूनी पेचीदगियाँ उनका दुरुपयोग कर रही है एजेंसी, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रही है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है इन एजेंसीज के ऊपर से, और जिनको सबसे क्रेडिबल एजेंसी कहा जाता था, CBI का कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। जितने BJP के कार्यकाल में मामले दर्ज हुए उनके 1% मामलों में भी सज़ा नहीं करवा पाई एजेंसीज, कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। इसका मतलब ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष में 2024 में जो उनको लगता है उनके खिलाफ देश में खड़ा हो सकता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, उन सबको जेल के अंदर डालना चाहते हैं। ये तानाशाही रवैया है, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। अंग्रेज़ भी ये सोचते थे आज़ादी से पहले कि शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दीजिए तो आज़ादी की मांग बंद हो जाएगी, फांसी चढ़ा दीजिए आज़ादी मांगने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन इनकलाब जब उठते हैं तो वो इस तरह से जेलों से, लाठियों से, फांसी देने से ख़त्म नहीं होते हैं। एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे 1,000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे, एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालेंगे 1,000 सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के साथ हो जाएंगे। एक मेगा सदस्यता अभियान हमने हरियाणा भर में शुरू किया हुआ है, उसी संदर्भ में आज यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे थे। 10 लाख सदस्य 10 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर तैयार करेगी, जो ज़मीनी स्तर पे लोगों के हर मुद्दे के ऊपर, ये लोग कहते हैं कि लोगों के मुद्दों पे राजनीति मत करिए,
बाकी सब चीज़ पे राजनीति करते हैं, जात पात पे करते हैं, धर्म पे करते हैं, हर चीज़ पे करते हैं, लेकिन कहते हैं जो लोगों के मुद्दे उन पे राजनीति मत करिए। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं, हम उन्हीं पे राजनीति करते हैं और एक मजबूत संगठन तैयार करके उन सारे मुद्दों को हरियाणा में उठाएंगे, लोगों की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे। मैंने वही आपको कहा कि 10 अप्रैल तक हमारा सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जब एक बार हमारे सारे सदस्य पूरे हरियाणा में जाएंगे, उन्हीं में से कौन किस सदस्य की क्या कुव्वत है, किस सदस्य की क्या मेहनत है, उसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष से लेके और गांव में बूथ लेवल तक के पदाधिकारी 15 अप्रैल के बाद आम आदमी पार्टी अनाउंस करना शुरू कर देगी और उसके एक महीने के अंदर हम अपना पूरा संगठन हरियाणा के अंदर अनाउंस कर देंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो 10 साल से संगठन नहीं बना पाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसका संगठन कागजों में तो है लेकिन ज़मीन पे लोग कट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से। तो हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे जो लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सके और 2024 में बदलाव की नींव रख सके। सर क्या देखिए, मैंने कहा कि मोदी सरकार अपनी एजेंसीज के जरिए तानाशाही चलाना चाहती है, मनमाना अपना रवैया अपनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जहां भी किसी भी केस में अगर आपके पास सबूत हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा अगर हमारे नेताओं के खिलाफ आपके पास सबूत हैं उठाइए, जेल में डालिए। लेकिन सारे, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ, 164 हमारे ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ अलग अलग तरीके के अलग अलग एजेंसियों से मामले दर्ज कराए सरकार ने, उनमें से 143 बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये दिखाता है कि सरकार दुर्भावना रखते हुए दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमारे नेताओं को जेल के अंदर रखना चाहती है, किसी भी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर नहीं देखना चाहती जो मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाए। अपने दोस्त जिनके विमानों में प्रधानमंत्री घूमते हैं, उनको उनका लाखों करोड़ रुपये के घोटाले को छुपा रहे हैं, JPC बनाने नहीं दे रहे हैं लोकसभा में अपने व्यापारी मित्र के खिलाफ, उनकी जांच हो सके ताकि कि सरकार ने कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाया, और बाकी जो विरोधी दल है उनके खिलाफ सारी एजेंसीज को खुला छोड़ दिया। सर आज चौथा दिन है संसद का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सरकार है केंद्र में, उसकी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेके सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करके बात करके और सदन को चलाए। सदन का जो वक्त है वो बहुत कीमती होता है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सदन में चुन के गए हुए हैं। लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, वरना तो सबसे पहले JPC अनाउंस करते अदानी मामले पे, जो लगातार लोग देख रहे हैं देश में कि लाखों करोड़ रुपया डूब गया जनता का, जो हमारे सरकारी संस्थान उनका पैसा लगा हुआ है अदानी ग्रुप में, उसको देखते हुए जो JPC की मांग की जा रही है उसमें कौन है? उसमें BJP के सांसद भी होंगे, उसमें सारी पार्टियों के सांसद होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। अगर किसी सरकार को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर यकीन नहीं है, इसका मतलब वो लोकतांत्रिक तरीके से देश नहीं चलाना चाहते, उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ चुका है, अपनी एजेंसियों का पुलिसिया डंडे का इस्तेमाल करके वो देश को चलाना चाहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी भारत में, तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता जिसने अपनी आज़ादी के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, जिसके लिए लोग शहीद हुए, उस आज़ादी के लिए, उस लोकतंत्र के लिए हर कीमत चुकाने को लोग तैयार हैं, लेकिन इनके आगे, इनकी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। अलग आदमी पार्टी PR एक्टिविटीज़ में यकीन नहीं करती है। हम ज़मीन पर अपना एक मजबूत संगठन बनाने की प्रक्रिया में अभी लगे हुए हैं। फिलहाल 10 अप्रैल तक हमारा ये संगठन को बनाने का, मेंबर सदस्य बनाने का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसके बाद हम अपना संगठन निर्माण करेंगे और उस संगठन के दम पे 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आगे आगे जिस तरह के जो भी सामाजिक मुद्दे होंगे या जनता से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, उन पर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे, चाहे आंदोलन करना हो, यात्रा करनी हो, रैली करनी हो, जो भी करना है, लेकिन पहले ज़मीन पर अपने सदस्य बनाएंगे, उसके बाद अपना संगठन बनाएंगे और उसके बाद सारे मुद्दों पर, आज भी जैसे आवाज़ उठा रहे हैं विपक्ष, बाकी नदारद है, कांग्रेस नदारद है पूरी तरह से, आज भी आम आदमी पार्टी सड़क के ऊपर मुद्दे लोगों के उठा रही है, उसको और मजबूती से उठाएंगे जब संगठन बन जाएगा। दिल्ली में मैंने पहले ही आपको कहा कि सरकार का लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि उनको लोकतंत्र में यकीन नहीं है। कहीं से कहीं तक देख लीजिए, संसद में JPC नहीं बना रहे, चुने हुए सांसदों पर यकीन नहीं है, दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर यकीन नहीं है, LG से कुछ कुछ टांग अड़वाते रहते हैं बीच में, दिल्ली MCD में चुने हुए पार्षदों पर यकीन नहीं है, चुनाव नहीं होने दे रहे स्टैंडिंग कमेटी का, हरियाणा में चुने हुए सरपंचों पर यकीन नहीं है, लाठीचार्ज करा रहे हैं, उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अगर इनको सरपंचों के बारे में कोई नियम बदलने थे, कुछ भी करना था, चुनाव से पहले करते, उसके बाद ये चुनाव कराते, सबको पता होता कि हम किन नियमों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने वाला भी कोई व्यक्ति सरपंच की सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, सरपंच के ऑफिस की, गांव के लोगों ने धुतकार दिया बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, गांव के चुनाव में बुरी तरह से हार गई भारतीय जनता पार्टी, उसका बदला ले रहे हैं।
इसलिए सरपंचों के ऊपर लाठी चला रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि सरपंच भी अपने गांव का चुना हुआ मुख्यमंत्री ही होता है एक तरीके से। जब वो गए प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे 2024 में इनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, उनके साथ क्या बर्ताव होगा इनको सोचना चाहिए। ये तानाशाही नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ आमने सामने बैठ के सरकार को बीच का रास्ता निकाल के बातचीत करके उनकी बातें माननी पड़ेगी। सर 2024 में हरियाणा की बात कर रहे हैं। देखिए हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और पुराने जो राजनीतिक दल हैं उनसे बुरी तरह त्रस्त हैं। मैं आपको उदाहरण देके समझा सकता हूँ। पिछली बार भी प्रदेश के लोगों ने बीजेपी की सरकार चुनी नहीं थी, उनके ऊपर थोपी गई बीजेपी की सरकार। बहुमत के लिए 46 सीटों की ज़रूरत होती है, लोगों ने कहा कि आप इस लायक नहीं है कि दोबारा सरकार बनाएं, लोगों ने उनको वो ज़रूरी बहुमत दिया नहीं। उसके बाद आप देखें तो कांग्रेस जब भी कहीं पर किसी एक सरकार में रहे हुए दल को बहुमत नहीं मिलता है तो विपक्ष की सरकार बन जाती है। लेकिन कांग्रेस इतनी निकम्मी है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस इस कदर खत्म हो चुकी है, ज़मीन से कट चुकी है। लोगों ने कहा कि हम बीजेपी की सरकार नहीं चाहते लेकिन आपकी भी नहीं बनवाना चाहते, उनको भी 30-31-32 सीटें दे के वहाँ पर रोक दिया। जेजेपी बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रही थी, किसानों का वोट मांग रही थी, जो बीजेपी ने गलत काम किए उनके उनकी उस नाम पे वोट मांग के पहुंची, लेकिन बाद में इन्होंने अपना वोट बेच दिया, पैसे के लिए बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, उनको भी 10 सीटें दी लोगों ने। यानी वैक्यूम है हरियाणा के अंदर, लोग नई राजनीति का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, लोग रोज़ाना वहाँ पर होने वाले अच्छे कामों को देख रहे हैं, इसलिए शानदार तरीके से हरियाणा के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की 2024 में बनेगी। सभी लोगों के मन में ये इच्छा है। सर पंजाब में आपकी सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, लोगों ने आपको पूर्ण बहुमत अच्छे वोट दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहाँ खालिस्तान का मुद्दा बहुत जोर शोर से दोबारा से उठ गया है और खुल्लम खुल्ला वहाँ खालिस्तान के झंडे उठाए जाते हैं, नारे लिखे जाते हैं। देखिए ये जो पिछली सरकारें रही हैं जिनको आज राजनीति खत्म हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, पंजाब से इन सब की राजनीति खत्म हो गई। इनके नेता अगर किसी चाय की दुकान पे भी जाके बैठते हैं पंजाब के अंदर तो लोग उठ के चले जाते हैं वहाँ से, इनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए कहीं कहीं कुछ कुछ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं, कहीं कहीं दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने इनके सारे प्रोपेगेंडा सारे दुष्प्रचार को बुरी तरह से परास्त किया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है जिसमें पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सेकेंड नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर पूरे देश में, और उसी रिपोर्ट में हरियाणा जहाँ हम बैठे हैं 36वें नंबर पर आता है, 29 प्रदेश और 7 केंद्र शासित प्रदेश, पूरे देश में मिला के 36 जगह हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार इस तरीके से कानून व्यवस्था को संभाल रही है कि हम 36वें नंबर पे आते हैं। आप लोग तो महसूस करते होंगे इसको, ये जो जीटी रोड की बेल्ट है पूरी की पूरी, इसमें किस कदर अपराध होते हैं, रात में दिन में किस कदर इस पे लूटपाट अपराध लगातार होते हैं, आप लोग तो अपनी आंखों से देखते हैं, आप लोग तो उसको कवर करते हैं। यहाँ इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, हरियाणा में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का माईबाप कोई नहीं है, दोनों हाथों से पैसा लूटने में लगी हुई है सरकार। अपना गिरेबान देखना चाहिए हरियाणा को पहले, हरियाणा की सरकार को, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। पंजाब के अंदर जो भी गतिविधियाँ जिस तरीके की होती हैं उनको तुरंत हैंडल किया जाता है, और मैं गर्व से ये कह सकता हूँ पिछले एक साल में कोई भी ऐसा केस पंजाब में नहीं है जिसको हमारी सरकार ने तुरंत सॉल्व नहीं किया। सारे गैंगस्टर हों, अपराधी हों, आतंकी हों, सबको तुरंत केस सॉल्व करके गिरफ्तार किया गया। अभी एक इंटरव्यू उसने, जातिगत जामा तब पहनाया जाता है किसी चीज़ को जब आप लॉ एंड ऑर्डर कानून और आपकी सरकार फेल हो जाती है, तब भावनात्मक तौर पे उस मुद्दे को कैश किया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में किसी, अगर कोई अपराधी है तो उसको सज़ा दिलाने के लिए किसी गैंगस्टर से अभी जानकारी लेनी पड़ेगी या किसी गैंगस्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार को सारी, अगर सही समय पर सारे केसेस को सॉल्व करे सरकार तो मुझे लगता है कि ये स्थितियाँ नहीं आएंगी जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, केस सॉल्व करने। सर SYL की बात कर लें, केजरीवाल जी दिल्ली में कहते हैं कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है, लेकिन वहीं SYL का जो मुद्दा है कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला दे दिया, तो ये दोगली नीति क्यों? देखिए बहुत स्पष्ट तौर पर आप देखिए कि पिछले 70 सालों में अगर आप देखें, ये हरियाणा के अंदर बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, बाकी दलों की भी सरकार रही, कई बार ऐसे मौके आए जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पंजाब में भी उनके समर्थन से अकाली सरकार चला रहे थे और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसे ही
केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही, तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी। इनके पास समाधान था और ये करना चाहते थे तो किया क्यों नहीं इन लोगों ने, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। यानी इनकी क्रेडिबिलिटी इस मामले में जीरो है, ये इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ये केंद्र का मामला है, अगर दो प्रदेशों में पानी को लेकर दिक्कत है या तीन प्रदेशों में पानी को लेकर दिक्कत है, हमारा लाखों लीटर पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है लगातार। मैं नहीं कह रहा, आप मेरे ऊपर मत थोपिएगा इस बात को, मैं आपको सुनाता हूँ कौन कह रहा है इस बात को, ध्यान से सुनिएगा। और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाए। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, तथ्यों के आधार पर ही कहा होगा मुझे लगता है, केंद्र सरकार चला रहे थे, 5 साल सरकार चला चुके थे, तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि हमारा जो पानी है वो बह के पाकिस्तान जा रहा है और उसको रोकने की बात कही। तब चुनाव था, शायद वोट मांगने के लिए कह दिया हो। लेकिन आज के दिन में मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है हरियाणा से, पाकिस्तान पानी जा रहा है हरियाणा को नहीं मिल रहा। मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है पंजाब से, पाकिस्तान पानी बह के जा रहा है पंजाब को नहीं मिल रहा। मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है राजस्थान से, पाकिस्तान पानी बह के जा रहा है राजस्थान को नहीं मिल रहा। मुझे लगता है इन लोगों की आदत रही आज़ादी से लेकर अब तक, जात के नाम पर एक दूसरे से लड़वाएं, धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़वाएं, स्टेट को एक दूसरे से लड़वाएं, सबके पास जिनके पास पानी की कमी है उन स्टेट्स को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बैठते इन मीटिंग्स में, प्रधानमंत्री क्यों पाकिस्तान से पानी रोक के पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली सबको पानी दे सकते, सबकी प्यास बुझ सकती है। 65% पानी ज़्यादा बह के जा रहा है पाकिस्तान में जो ट्रीटी है उससे, क्यों उस पानी को नहीं रोकते। सीधा सवाल मेरा केंद्र सरकार से है, वो जान बूझ के इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं, जान बूझ के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ये नफरत की राजनीति अब और नहीं चलेगी, लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, ना जात पात की राजनीति चलेगी, ना धर्म की राजनीति चलेगी, ना नफरत की राजनीति चलेगी, अब इंसानियत और प्यार की राजनीति चलेगी। लोगों को पता चल गया इन मुद्दों में उलझा के उनके ना कभी स्कूल बनाए, ना कभी अस्पताल बनाए, ना बाकी मूलभूत सुविधाएं दी, ना बिजली दी, ना पानी दिया ढंग से। बार बार जब चुनाव आते हैं इन मुद्दों को छेड़ते हैं, हमारी भावनाओं को भड़काते हैं और हमसे वोट हासिल करते हैं। पानी का जहाँ तक स्थिति है हरियाणा के अंदर भी, अगर आप देखें, एक तिहाई हरियाणा ऐसा है, मैं गांव-गांव में घूमता हूँ, एक तिहाई हरियाणा ऐसा है जहाँ किसानों के खेत डूबे पड़े हैं पानी में, वहाँ फसल नहीं लगा सकते, वो चूहा आ गया ऊपर। और एक तिहाई हरियाणा ऐसा है जहाँ पे किसानों के खेत प्यासे हैं, वहाँ पे पानी नहीं है। आप हरियाणा के हरियाणा में पानी को मैनेज नहीं कर रहे, एक जगह डूब रही है और एक जगह पे पानी नहीं है। कैनाल बना के आप हरियाणा में भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को दुरुस्त कर सकते हैं। न केंद्र सरकार इस पे काम कर रही कि पाकिस्तान का पानी रोक के हमको पानी दे दे, ये निश्चित तौर पे आपस में लड़ा के एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये दोनों पार्टियां इस बात की गारंटी है कि इस मामले को सॉल्व नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी जिस दिन स्थिति में हुई, तीनों जगह पे अगर हमारी सरकार होगी हम इस मामले को तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट तौर पे बताऊं, आप अगर इसको समझें कि किसी गठबंधन से, किसी राजनीतिक दल से सरकारें न बनती हैं न टूटती हैं, ये गलत फहमी होती है हम लोगों को। सरकारें तब बनती और बदलती हैं जब लोगों के अंदर इच्छा पैदा हो जाए किसी विचार के प्रति। आम आदमी पार्टी का विचार आज के दिन में गांव-गांव में लोगों के दिलों में बैठ रहा है। जितना मोदी सरकार हमारे नेताओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसका मतलब अच्छा हम कर रहे हैं। आज के दिन में अगर आप देखें दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, और हरियाणा के अंदर 3-4 यूनिट के लिए व्यक्तियों को आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं धमतान साहिब गया था कुछ दिन पहले, वहाँ का एक किस्सा था। कल परसों भी एक गाँव में असंध की साइड में बहुत झगड़ा हुआ है पुलिस के बीच में और बिजली विभाग के कर्मचारियों, चोर साबित करने पर लगे हुए लोगों को। कहीं भी बिजली विभाग के लोग घुस जाते हैं, किसी की दीवार कूद के घर में घुस जाते हैं, आप कुछ बोलो आपके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। चोर साबित करने, सरपंच बोले सरपंच चोर, उनको कहते हैं भ्रष्टाचार कर रहे हो आप।
तो मुझे लगता है कि आज तक मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बात नहीं हुई। विचार महत्वपूर्ण है, विचार लोगों तक पहुंच चुका है, संगठन निर्माण हम कर रहे हैं। ये सरकारें लोगों को बदलनी है, लोगों के मन में आ चुका है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। नए विचार के साथ पूरे देश में लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से मजबूत हो रही है, 17 प्रदेशों के अंदर हम अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। सर नहीं कभी भी सरकार की रहा, आज़ाद हिंदुस्तान में मैंने ये पहली सरकार देखी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसने एक साल तक किसानों को सड़क पर बिठा के रखा। किस लिए? कह रहे हैं कि हमें आपको ये कानून देने हैं, किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए जी, और जो किसान मांग रहे हैं MSP वो आज तक नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। अगर इनको लोन माफ़ करना होता है तो अपने व्यापारी दोस्तों का कर देते हैं, किसान का नहीं करेंगे कभी भी। अगर किसी को, इनको तो ये भी बर्दाश्त नहीं है, मोदी जी खुले मंच से ये बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री दे के देश को बर्बाद कर देगा, खुले मंच से बोलते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी देते हैं, फ्री की, इनसे बर्दाश्त नहीं होता 10 रुपये की सुविधा भी अगर किसी आम व्यक्ति को मिल जाए, किसान को मिल जाए। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, कैसे बर्बाद किया हमने देश को? मैं उदाहरण देके बताता हूँ, हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, दिल्ली में हम क्या फ्री देते हैं? बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में हम पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में हम स्कूलों में शिक्षा फ्री देते हैं, दिल्ली में अस्पतालों में इलाज फ्री में देते हैं, दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में सफ़र फ्री है, दिल्ली के अंदर शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि हम देते हैं, दिल्ली के अंदर वृद्धों को हम फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं, ये सारी चीज़ें फ्री देते हैं दिल्ली में। हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, 3 लाख करोड़ का। पंजाब में एक साल पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, कुछ फ्री नहीं देते थे इसमें से, वहाँ पे 3,85,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है पंजाब में कांग्रेस की सरकार। और हमारी सरकार दिल्ली में इतना कुछ फ्री देते हैं, एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, एक पैसे का भी कर्जा नहीं। और पंजाब के अंदर एक साल के अंदर हमने 16,000 करोड़ रुपये का कांग्रेस के टाइम का कर्जा उतार दिया, जबकि वहाँ बिजली फ्री कर दी, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि भी मिलती है, गांव-गांव में अस्पताल बन रहे हैं जहाँ इलाज फ्री में होता है। ये मूलभूत सुविधाएं देने से देश बर्बाद नहीं होता, देश बर्बाद होता है अपने व्यापारी दोस्तों के लोन माफ़ करने से। अगर किसानों के कर देते, अगर किसानों को MSP दे देते, तो किसानों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर हरियाणा में क्या रहेगा जो फ्री वाली बात कर रहे हैं, हरियाणा में क्या क्या मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की नीतियाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग नहीं है, हमारी मूलभूत विचारधारा वही है। हरियाणा के लोगों को भी जिस दिन सरकार आएगी उस दिन से हरियाणा के लोगों को भी 600 यूनिट, 2 महीने का बिल आता है हमारे यहाँ, 600 यूनिट फ्री यहाँ पर भी मिलेगा। उसी तरह से जैसे दिल्ली के अंदर शानदार स्कूल हैं, वैसे ही शानदार स्कूल हरियाणा में भी बनेंगे, प्राइवेट स्कूलों की मार नहीं झेलनी पड़ेगी लोगों को। उसी तरीके से जैसे फ्री में इलाज दिल्ली के अंदर मिलता है, यहाँ के अस्पतालों में भी शानदार इलाज फ्री में, दवाइयाँ भी, ऑपरेशन भी, सब कुछ फ्री मिलेगा। ये सारी मूलभूत सुविधाएँ हर एक व्यक्ति को देना पूरे देश में, यही हमारी विचारधारा है। जब सबके पास मूलभूत सुविधाएं होंगी तभी वो देश के बारे में सोच पाएगा। अभी तो आदमी यही सोचने में व्यस्त रहता है कि अगले महीने का बिल कैसे भरूंगा, अगले महीने बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, पानी का बिल कैसे भरूंगा, बिजली का बिल कैसे भरूंगा, इन्हीं सब चीज़ों में लोग उलझे रहते हैं, देश के बारे में किस वक्त सोचें। इसीलिए 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी हम विकसित देश नहीं बन पाए। हमारे दादा पढ़ते थे किताबों में कि विकसित देश बनेगा, भारत एक दिन विकासशील देश है। फिर हमारे पिताजी ने किताबों में वही पढ़ा कि विकसित देश बनेगा, विकासशील देश है। फिर हमने किताबों में बचपन में वही पढ़ा कि हम विकासशील देश हैं, विकसित देश बनेंगे। आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो भी किताब में यही पढ़ रहे हैं विकासशील देश। कब बनेंगे विकसित देश? जब तक मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति को नहीं मिलती तब तक विकसित देश नहीं बन सकते। ये लोग हमको गलत मुद्दों में उलझाए हुए हैं। देखिए, हरियाणा के किसानों के लिए भी, पंजाब के किसानों के लिए हम बहुत शानदार एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को विस्तार से बताएंगे कि कैसे किसानों की इनकम बढ़ सकती है, कैसे किसानों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। और जैसे हमने दिल्ली के अंदर, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन में देखें तो अगर फसल दिल्ली में ख़राब हो जाती है तो पर एकड़ मुआवजा दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। पहले ये क्या कहते थे? पहले ये कहते थे दिल्ली तो छोटा सा है जी, वहाँ खेती नहीं होती, हर चीज़ के लिए ऐसे ही कहते थे। दिल्ली में आपने कर दिया जी, और जगह नहीं कर पाओगे। हमने जो दिल्ली में किया पंजाब में करके दिखाया, हमने दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुआवजा किसानों को दिया तो बोले दिल्ली में खेती ज़्यादा नहीं होती। अब हम पंजाब के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी ला रहे हैं जो पूरे देश के लिए नज़ीर बनेगी, पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगी। वैसी एग्रीकल्चर पॉलिसी हरियाणा के लिए भी लेके आएंगे, यहाँ के किसानों की सारी समस्याओं को उसमें सुलझाएंगे। सुकेश चंद्रशेखर पटियाला हाई कोर्ट में पेशी के दौरान कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति के वजीर है, एक एक करके पर्दाफाश करूंगा और अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की। देखिए, हम तो इस चीज़ से खुश हैं कि मोदी सरकार को अपनी सारी CBI, ED, दिल्ली पुलिस सबको इस्तेमाल करने के बाद भी वो 100 रुपये बरामद नहीं कर पाए, ना मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से, ना सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से। अब उनको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, दुर्भाग्य है देश का, वैसे इतनी होनहार एजेंसी होने के बाद भी
उनको जो जेल में सज़ा काट रहा है, देश का सबसे बड़ा जालसाज कहा जाता है, देश का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाता है, उस फ्रॉड की गवाही की ज़रूरत पड़ रही है मोदी जी को। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि इतनी होनहार एजेंसीज, इतनी पावर होने के बाद भी इतनी ताकत।